बाजन में भारी देखी है मैंने वो पार जाके पास जितनों पैसा हो तनी भारी लग रही यार कोई आए मांगे बीज कोई आए मांगे खाद पैसा बालन में भारी देखी है मैंने उपाद जाके पास जितनों पैसा उतनी भारी लग रही ब्याज कोई आए मांगे बीज कोई आए मांगे खाद जाको न देवता की भवन में गांठे और देखें जब मांगो सोई दुश्मन ध्यान रखियो ये पैसा बहुत दुखदाई है पैसा बालन के हमने नाक कान कटे देखे भाला और चाकू देने के पेट फटे देखे पैसा बालन के हमने नामों निशान मिटे देखे पैसा बालन के हमने नाक कान कटे देखे भाला और चाकू अंतन के पेट फटे देखे और पैसा बालन के हमने नामो निशा मिटे देखे बिना पैसा वाले को जट नींद आते खेत हम डाले खटिया पठरन पर चित्त पट पर और जे जितने पैसा वाले उन्हें नींद और नहीं आती नींद नहीं आए सारी रात खाट तोरो करें खटको ने को हो जा तो बाहर को दौड़ो करे वो कबू कबू उठू के लाटे पैसा बाले के द्वार सोबे को धर्म नाय कान सुनने कह रहे आधार में लिया जबाई लोगो हमारे उत्तर प्रदेश में छबराम डाकू हुए हैं उस समय हम कुसमाराम थे हमारी कोटी कुसमाराम थी कुसमाराम एक सिया राम सुनार बहुत बड़े पैसा वाले हमारे पास आए और बोले कि स्वामी जी आज मंदिर में कीर्तन हो हम गाड़ी भेज दी भेज दियो गाड़ी भेजी 12 बजे लो कीर्तन भो उसके बाद सब चले गए हमने की सेठ जी हमें छोड़ो सेठ जी ने कही ला हम ये बिस्तर लगा देते ही लेट जाओ लेट गए अरे दैया रात में छबराम चढ़ बैठे को परियो सेठा ने भाटिया ही सेठियो ने करियो खटिया पे पड़ो आधार तो पकड़ियो छबराम डाकू आए डर के खटिया में रात मारी गुट जो उठ के बैठे छबराम को देख के पेशाब तो निकलियो लोगो हमें बिल्कुल जान नहीं याद आ रहा तुम मरियो डाकुओं को देख के मेरे होश तो बिगड़ियो छबराम ने लात मारी कौन हमने कहा साहब हमारा नाम आधार बाबा है आधार बाबा तुम बोलिए नरसी भात की लीला हरदौल की लीला हमने कहा तू तो आ ही रहे यहाँ क्यों आया हम जब मंदिर में कीर्तन भव सब चले गए सेठ ने कही तुम यहीं लेट जाओ अच्छा लोगो उठ के भागे गली में 3 पटके लगे भाई दिन भैया याद हर को तो ज्ञान भव अच्छो करो कन्हैया जो मैं न धनवान भव इसलिए भक्तों ये पैसा दुखदाई है आज ध्रुव कहने लगे माँ हमें आज्ञा दो
हट देख के अब कुमर की गदगद शिथिल बाणी भई। इच्छा पूरन लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोर निठुर मैया को कन्हैया दर्श फिर मोए दीजिए। सब छोड़ खटके जगत के तू भजन बन में कीजिए। जाओ बेटा, ध्रुव जी ने मैया के पैर छुए, गली में आए, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है कुमार। कहने लगे हम राम से मिलने जा रहे, जंगल में मेरी माँ ने भेजा है। गांव वालों ने जाकर राजा से कहा कि महाराज आपका ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव जंगल में भजन करने जा रहा है। राजा समझ गए मेरी छोटी औरत ने मेरे पुत्र का अपमान किया। गांव वालों से कहा मेरे पुत्र को रोक लो, कह दो जहाँ उसे जौ की रोटी मिलती थी आज से दूध दही मक्खन सब कुछ मिलेगा। गांव वालों ने ध्रुव को घोर घेर लिया और कहा बेटा ध्रुव लौट चलो, अब तो तुम्हें दूध दही मक्खन घी सब मिलेगा। ध्रुव ऊपर देखने लगी, बारे भगवान तेरे नाम को लेकर गली में आए पास दूध दही और मक्खन मिलने लगो, लौट जाओ गांव वाले। राजा ने कहा लौटा लौटा नहीं मक्खन, महाराज लौटो ही नहीं, जाओ कह दो आधा राज ध्रुव को देंगे आधा उत्तम को। गांव वालों ने घेर लो बेटा चलो अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल गया आधा राज। ध्रुव ऊपर देखने लगी, बारे भगवान तेरे नाम को लेके दो खेत निकल पाए आधा राज में, लौट जाओ गांव वाले। यहाँ तक है राजा उत्तानपाद ने पूरा राज लेने की घोषणा कर दी, लेकिन ध्रुव नहीं रुके, जंगल में प्रविष्ट हुए। नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहा है? कहने लगे अपने राम से मिलने, मेरी माँ ने भेजा है। देवर्षि नारद कहने लगे तेरी माँ है कि पत्थर दिल, जरा सा बच्चा राम से मिलने आया, लौट जा। न कहो शेर का झटका लगा तो राम नहीं मिलेंगे, रामपुर पहुंच जाएगा। कहने लगा है ध्रुव ये जानवरों का भय मेरी माँ मुझे दिखा चुकी। नारद कहने लगे कोई गुरु बनाया कि नहीं, तो बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे? और ये बात बिल्कुल सच है भक्तों, जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु जब बनाओ तो गुरु की परख कर लो, गुरु को अच्छी तरह परख लो। आजकल गुरुओं ने बड़े चक्कर है, गलनु गलनु गुरुआ, फिर गुरु ना गुरुआ, चेला मंत्र ले और नरके जाच स्वर्ग हमें रुपया। मूड़ मूड़ के गुरु ने चेला कर ले ढेर और गुरु गरिया हुई है चेला हुई है भेड़। तो ऐसा गुरु मत करना कान में कर दे कुर्रो तू चेला हम गुर्रो। गुरु होना चाहिए गुरु का जय धर्म ऐसे से कछु न ले, और शिष्य को यही धर्म है गुरु को सब कुछ दे। कहने लगे हैं तो आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। तो नारद जी ने द्वादश मंत्र दिया, बारह अक्षरों का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ कालिंदी नदी किनारे कैंच का वृक्ष खड़ा है, भाई वृक्ष के नीचे जाकर के भजन करो। मेरे भक्तों ध्रुव ने प्रणाम किया, यमुना के किनारे आया, हाथ पैर धो करके कैंथ के वृक्ष के नीचे बैठ गया, पहली समाधि उसकी लग गई। अब एक भगवान का कीर्तन बोल लो, ध्रुव प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बोलो।